मटर मलाई बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए 200 ग्राम मेथी लिए हैं, 2 प्याज, 2 टमाटर और 100 ग्राम मटर लिए हैं। मेथी को हम अच्छे से साफ करके पानी से धो लिए हैं। उसके बाद इसे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। सबसे पहले इसे उबाल लेंगे, मेथी डाल लेंगे, इसी में टमाटर भी डाल लेंगे, प्याज डाल लेंगे, 2 सूखा लाल मिर्च डाल लेंगे, दालचीनी डाल लेंगे, 2 इलायची डाल लेंगे। उसके बाद इसमें मटर डाल लेंगे, इसे 4 से 5 मिनट उबाल लेंगे। देख सकते हैं कि टमाटर का छिलका अलग होने लगा है और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सारे सब्जी को पानी से अलग कर लेंगे। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। मिक्सिंग जार में प्याज निकाल लेंगे, टमाटर निकाल लेंगे, मिर्च डाल लेंगे, 2 इलायची डाल लेंगे, दालचीनी डाल लेंगे, अदरक लहसुन डाल लेंगे। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। देख सकते हैं पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब सब्जी बना लेंगे। कढ़ाई में तेल डाल लेंगे, आप अपने पसंद के कोई भी तेल डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेंगे, 1 तेज पत्ता डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। सारे मसाला को तेल में ही फ्राई कर लेंगे। इसे सब्जी देखने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम जो पेस्ट बना कर रखे थे उसे डाल लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट फ्राई कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे, देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें मेथी और मटर डाल लेंगे। मेथी मटर डालकर इसे अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि सब्जी नीचे से जले नहीं। अब इसे ढककर 6 से 7 मिनट पका लेंगे ताकि मटर अच्छे से पक जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। चार चम्मच मलाई डाल लेंगे। आप इसके जगह काजू का पेस्ट या कच्चा नारियल का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद इसे 2 मिनट और पका लेंगे। उसके बाद इसमें धनिया पत्ता डाल लेंगे। सब्जी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि मेथी मटर मलाई देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और बनाना तो इसे बिल्कुल ही आसान है। आप इसे रोटी चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना और आगे कौन से रेसिपी देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।